बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान फलक आदर, और आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूँ। नाज़रीन, आज जो टॉपिक मैं जो लाई हूँ, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और ये तकरीबन हर जो है शख्स का मसला बन चुका है। हेयर फॉलिंग इज़ अ वेरी कि कॉमन थिंग इन कॉमन पीपल, क्योंकि हेयर फॉलिंग के बहुत सारे रीजंस होते हैं, लाइक डाइट का इस पर इफेक्ट होता है, या स्ट्रेस का भी हो रहा होता है सम टाइम, जो जेनेटिकली भी आपको, या वेदर की वजह से भी क्या कहते हैं, ये हेयर फॉलिंग होती रहती है। सो हेयर फॉलिंग के लिए आपको एक्सपर्ट्स के पास जो है वो रुजू करना चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं है कि हेयर फॉलिंग जो है वो आपकी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, हार्मोनल इश्यूज की वजह से हो रही है, या फिर आपको जो है वो आप अच्छे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, या कोई ऐसा केमिकल आप यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से कंटिन्यूसली आपकी जो है वो हेयर फॉलिंग हो रही है और बाल गिर रहे हैं। सो हर प्रोडक्ट की अपनी खसूसियात होती हैं, हर प्रोडक्ट का अपना एक मतलब वो होता है कि आप कोई ऑयली हेयर्स हैं तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ड्राई हेयर्स होते हैं तो उसके लिए अलग प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये प्रोडक्ट की सिलेक्शन भी जो होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खैर, मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि आज जो मैं आपको हेयर्स के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये ग्रो ऑयल है, हर भाष के वेबसाइट से आपको ये मिल जाएगा। देयर इज अलॉट ऑफ के इसमें वराइटीज़ हैं, अनियन ऑयल भी है इसके अंदर, और उसके साथ साथ जो है रूट्स ऑयल भी है। सो वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, तो वहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। दीज आर एसेंशियल ऑयल्स, और वो हर बालों पर, यानी हर किस्म के बालों के टेक्सचर पर जो है वो फिट होते हैं। सो आप इसको इजीली अप्रोच भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं, और इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी मौजूद है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए भी इसको व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरी जानब मैं हेयर्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करूंगी कि हेयर्स के प्रॉब्लम होते क्यों हैं, क्या जेनेटिक्स का इससे ताल्लुक है, हार्मोन्स का ताल्लुक है, या फिर जो है वो आपकी अपनी जो है वो बेहतियाती है, या आपका जो है लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप अपने बालों का ख्याल नहीं रखते हैं। मेरे साथ आज बहुत एक्सपर्ट डॉक्टर मौजूद हैं, हेयर स्पेशलिस्ट एंड स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं, जो हमें बताएंगी कि रीजंस क्या होते हैं, कैसे सिलेक्शन करनी चाहिए प्रोडक्ट्स की, किस तरीके से आपके बालों का आप ख्याल रख सकते हैं, और साथ साथ में बाल जब गिर रहे हों तो कैसे उनको स्टॉप किया जाता है। डॉक्टर साहिबा जो है MBBS हैं, और इसके अलावा जो है मल्टीपल उन्होंने डिग्रीज की हुई हैं कॉस्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजी, इनसे पूछते भी हैं कि कहाँ कहाँ से उन्होंने प्रैक्टिस की है, और अभी रिसेंटली शी इज़ वर्किंग इन साउथ सिटी हॉस्पिटल। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर तानिया शेख मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वार्म वेलकम इन द प्रोग्राम। डॉक्टर साहब, मुझे ज़रा पहले ये बताइए कि आपकी प्रैक्टिस कहाँ कहाँ रही है, इंटरनेशनली भी आप प्रैक्टिस करती रही हैं। जी, आई एम डॉक्टर तानिया शेख, आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एट साउथ सिटी हॉस्पिटल। सुबह में मैं मॉर्निंग प्रैक्टिस करती हूँ एट इंस्टीट्यूट ऑफ स्किन डिजीज सदर कराची में। जी, मैंने MBBS एंड DDM किया हुआ है, इसके अलावा मैंने दुबई से अमेरिकन अकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन के भी लेवल्स किए। ओह ग्रेट, डॉक्टर साहब चलें फिर, तो आपकी स्पेशलिटीज बड़ी जबरदस्त हैं, हमारे नाज़रीन को भी काफी हेल्प आउट हो जाएगा। एंड ये जो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, लोग इनके पीछे बड़ा भाग रहे होते हैं लाइक इनको, क्योंकि आप माशाल्लाह खुद भी आपकी पर्सनैलिटी को आपने इतना अच्छे तरीके से कैरी किया हुआ था, लोग एक ये भी एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल है कि लोग जो है आप तक अप्रोच करें और आपको पूछें कि भाई आपने अपने आप को कैसे इतना अच्छा जो है कैरी किया हुआ है। डॉक्टर साहब, जो हेयर फॉलिंग है, जैसे मैंने अपने प्रोग्राम के इन प्रोडक्ट के बारे में बताया, जैसे हर्बल ऑयल्स और हर किसी के बालों के लिए एक अलग वो होता है, लाइक अलग क्वालिटीज होती हैं, तो क्या कहेंगी कैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए? जैसे आज का टॉपिक ही हेयर फॉल पर है, तो मैं खूबसूरत बालों की तारीफ इस तरह करूंगी जो कि सेहतमंद, घने, मजबूत हो। जिस तरह हम लोग देखते हैं भाई वीडियो में आ रहा है कि हीरोइंस के बाल लंबे, घने, सेहतमंद और सारे इस तरह के होते हैं, तो ये भी हमारे लिए नामुमकिन नहीं है करना, अगर हम छोटी छोटी चीजों को इस तरह अप्रोच कर सकें इनको। सबसे पहले बालों के गिरने के बारे में कहूंगी कि बालों का हेयर फॉल इज नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम, ठीक है, इट कवर्स मिलियंस ऑफ और टेंस ऑफ मल्टीपल डिजीजेस और अंडरलाइंग कॉजेज हैं, ठीक है। मेल और फीमेल में डिफरेंट कॉजेज होती हैं। मेल में जो हम सबसे पहले हेयर फॉल का प्रॉब्लम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसमें सर्टन हार्मोन्स की डिसबैलेंस होता है, और एक पर्टिकुलर पैटर्न से मेल के यहाँ से बाल्डनेस स्टार्ट होती है,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद फीमेल में भी होता है, फीमेल में भी एलोपेशिया पाया जाता है हेयर फॉल, वो भी आइदर प्रेगनेंसी की वजह से होता है, पीसीओएस की वजह से होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी की वजह से होता है। ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज है स्ट्रेस, इट कुड बी इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है और फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है। इमोशनल स्ट्रेस में आपका जहनी दबाव हो सकता है, और जो बॉडी हमारी फिजिकल स्ट्रेस जो करती है, जिस तरह स्ट्रिक्ट डाइटिंग में प्रोटीन डेप्रिवेशन होता है। ठीक है, प्रोटीन जब बेसिकली हमारा जो बाल होता है वो बना ही प्रोटीन फिलामेंट से बना होता है, दैट इज कॉल्ड केराटिन। ठीक है, जब 97-98% हमारे हेयर जो होता है केराटिन से बना होता है, जब बालों को वो प्रोटीन ही नहीं मिलेगी तो हेयर की ग्रोथ कहाँ से होगी। तो मैं उन बच्चियों को बोलूंगी जो बच्चियाँ स्ट्रिक्ट डाइटिंग पर होती हैं, डाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ खाना पीना छोड़ दें, एक खास मिकदार में आप प्रोटीन्स भी लें, और जब प्रोटीन की कमी होगी तो नेचुरली आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। और अक्सर बच्चियां आती हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं, मैंने 2 से 4 महीनों के दरमियान मैंने डाइटिंग स्टार्ट की है। ठीक है, इसके अलावा जो होता है क्रॉनिक इलनेस, कोई भी ऐसी इलनेस जो आपकी एक हफ्ते से ज्यादा चले, जैसे टाइफॉइड हो गया, मलेरिया हो गया, उसमें बाल का गिरना होता है। विद इन 3 मंथ्स पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि मेरे बाल 3 महीने पहले तो ठीक थे लेकिन अब अचानक से गिरना शुरू हो गए, तो हम उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि आइदर आपको कोई बुखार या कुछ मलेरिया कोई ऐसी इलनेस तो नहीं हुई, जिस तरह आजकल कोविड फैला हुआ है। कोविड के बाद जब रिकवर होकर आते हैं तो उसमें पेशेंट हमें कहते हैं कि मेरे बाल अचानक कोविड, मुझे कोरोना हो गया और उसके बाद मेरे बाल गिरना शुरू हो गए। तो एक कॉज ये भी हो सकती है वीक इम्यूनिटी। फिर मैं वही कहूंगी कि अगर आपको बुखार या कोई क्रॉनिक इलनेस थी उसमें इम्यूनिटी आपकी लो हो गई, उसमें आपके बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एक्सेसिव जो आजकल औरतें केमिकल ट्रीटमेंट करवा रही हैं, केराटिन ट्रीटमेंट हो रही है, और जो डाई हो रहे हैं, स्ट्रीक्स हो रही हैं, यह भी बालों को कमजोर कर देता है। तो हमें सबसे पहले रूट कॉज में जाना चाहिए। जब तक हम लोग रूट कॉज को नहीं फाइंड करेंगे तो हम अपने बालों की तरफ अच्छे बाल नहीं कर सकते। पहले हम रूट कॉज देखेंगे कि किस चीज की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है, क्या रीजन है, उसके बाद। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि बिफोर गोइंग टू द इंटरनेट पर ये सर्च करें, ये फलां प्रोडक्ट ले लो, ये प्रोडक्ट ले लो, ये बालों के लिए अच्छा है, पहले आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, अपने स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाएं, हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाएं कि मेरा मसला क्या है। जो वो आपको टेस्ट करें, रिकमेंड करें, गो फॉर दीज टेस्ट, गेट योर टेस्ट डन, और उसके बाद आप फर्दर देखें कि अब आपको किस चीज की जरूरत है। इसके अलावा डैंड्रफ, उससे भी हेयर फॉल की होता है, और इसके अलावा छोटी बच्चियों को जुएं, लीकें, इसकी वजह से भी हेयर फॉल। डॉक्टर साहब, जैसे हर्बल ऑयल्स हैं या हर्बल प्रोडक्ट हैं जो लोग यूज करते हैं, केमिकल ऑयल्स तो ऑब्वियसली बात है, दैट्स यू नो कि हर किसी को सूट नहीं करते, तो हर्बल प्रोडक्ट क्या अच्छे होते हैं? बिल्कुल, हम लोग घर की होम रेमेडीज भी अच्छी होती है, और जो हमारी मेडिकल ये प्रोडक्ट्स जो है डॉक्टर साहब, जैसे ये हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? इसके बारे में देखें, इसमें हर्बल्स ही हैं, कोई इसमें कोई ऐसे मुदर शहद जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाए, कुछ भी नहीं है, हर्बल प्रोडक्ट्स हैं। हर्बल प्रोडक्ट्स जो पुराने में जो बुड्ढी अम्मियां और ये यही चीजें यूज करती थी ना, तब तो ये वाली चीजें नहीं आई थी, तो उनके भी बाल काफी अच्छे होते थे। या अगर अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज जो है, क्या कहते हैं, पुराने जमाने की अगर बात देखी जाए या फिर अभी देखा जाए, बड़ा डिफरेंस आ गया है। लोगों के पहले बाल बहुत लंबे लंबे होते थे और बड़े घने, और अब जो है वो बाल इतने छोटे छोटे हो गए और काफी कमजोर पतले, और बढ़ते भी नहीं है, लंबे भी नहीं होते, क्या वजूहत है, क्या रीजन है? देखिए, एक तो हम लोगों ने केमिकल्स को ज्यादा यूज करना शुरू कर दिया, स्ट्रीक्स की तरफ जा रहे हैं, हफ्ते में 2-2 दफा ब्लो ड्राई करवा रहे हैं। ठीक है, हमने केमिकल्स और ये बालों पे ज्यादा अप्लाई करने शुरू किए। सेकंड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हमारी डाइट ठीक नहीं है, हर दूसरी बच्ची आजकल डाइटिंग पर, प्रोटीन बालों को नहीं मिल रहा, इसेंशियल अमाइनो एसिड्स नहीं मिल रहे, तो उसकी वजह से ये 2 फैक्टर्स ज्यादा हैं कि बालों की ग्रोथ। ओके ओके, तो ये सारी चीजें जो है, ये अमाइनो एसिड्स, हमारी प्रोटीन डाइट में, जिस तरह आप नॉन जो वेजिटेरियंस हैं उनको अपनी डाइट में चीज ऐड करें, पल्सेस ऐड करें, इससे ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट है। और हम लोग जिस तरह नॉन वेज हैं, तो हम तो चिकन मीट, इनमें ज्यादा प्रोटीन है। ओके, चिकन मीट, ये सारी चीजों का इस्तेमाल करें, और साथ साथ में जो है वो आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी से भी दूर रहें। स्ट्रेस तो मेन कॉज है हेयर फॉल। ओके, स्ट्रेस तो मेरे ख्याल से तमाम बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल पर वो
हर मतलब पूरे सिस्टम को ही तबाह कर रहे होते हैं ना, बॉडी के स्ट्रेस जो है वो आपको बड़ा प्रॉब्लम में डाल रहा होता है, और उसके साथ साथ जो है वो आपके हॉर्मोन्स इतने ज्यादा रिलीज होना शुरू होते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है, तो उसकी वजह से भी जो है फॉलिंग हो जाए. अच्छा मुझे आप ये बताएं कि जो केमिकल्स हम बालों पे यूज कर रहे होते हैं, बहुत सारे आपके पास पेशेंट्स ऐसे आते होंगे कि वो कहते हैं कि हमने ये फला प्रोडक्ट यूज किया था, या बालों पे डाई कराया, या फिर हमने केराटिन कराया, तो आफ्टर दैट हमारे बाल बिल्कुल स्पॉइल हो गए, खत्म हो गए. इस तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास? बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं अमूमन आते ही के डाई के बाद, स्ट्रीक्स कराने के बाद, और जो ये बालों की जो आजकल ट्रीटमेंट्स चल रही है उसके बाद तो बाल बहुत डैमेज हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, ड्राई फ्रिदी, दो मुंह वाले स्प्लिट हैंड्स. और जब तक आप स्प्लिट हैंड्स को नहीं कट कराएंगे, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि भाई बाल नहीं कटवाने, ट्रिम कराएंगे तो बाल छोटे हो जाएंगे. लेकिन जब जब आपको स्ट्रेट हैंड्स लगे कि आपको अब स्ट्रेट हैंड्स हो रहे हैं, तो फौरी बाल को आप ट्रिम करवा लें. अच्छा, फौरी तौर. अच्छा, बाल जब स्प्लिट्स ऑन होने हो तो ट्रिम करवा लें. ओके. और बाल जब डॉक्टर साहबा कलर वलर तो ये जरूरी है, तो फिर कैसे प्रोडक्ट यूज करने चाहिए बालों के लिए, लाइक कलर्स के लिए और केराटिन के लिए? क्योंकि ये हमारा इतना आजकल जो है एडवांस दौर चल रहा है कि अगर आप बालों के ऊपर अच्छा मतलब लुक नहीं आ रहा होता, आपके कलर्स नहीं हुए होते, हेयर कलरिंग नहीं हुई होती, तो बड़ा मतलब एक आप बहुत सिंपल सी लड़की लग रहे होते हो, तो कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? कलर आप केमिकल जो भी यूज करेंगे वो तो करेगा ना हार्म आपके बाल को. भले वो आप अच्छे से अच्छा लें या बेकार से बेकार लें, है तो केमिकल ही ना वो, इंग्रेडिएंट्स तो इसमें वही है सारे. ओके. तो केराटिन को इनकरेज करती हैं आप, केराटिन करवाना चाहिए? मेरे पास तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते जो केराटिन करवा कर भी बाल उनके नहीं. अच्छा, बाल ठीक नहीं होते, मतलब केराटिन आपके बालों को डैमेज कर रहा होता है, या फिर बालों जो पेशेंट्स आती हैं केराटिन की, उनके बाल जो स्ट्रेट करवा कर आती है, कुछ अरसे बाद फिर उनके बाल वैसे ही फ्रिदी हो जाते हैं, होना शुरू हो जाते हैं. ओके. मतलब अगर स्ट्रेट करवा लिया एंड आफ्टर दैट फिर से जो है वो बाल जो है वही होना शुरू हो जाते हैं. सही. अच्छा, इसके अलावा जो है डॉक्टर साहबा, मैं आपसे और मजीद भी सवाल करूंगी, पर एक ब्रेक की जाने चलते, देखते रहिए हेल्थ टॉक. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आज हम हेयर फॉलिंग के ऊपर बात कर रहे थे, और साथ साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि आपकी जो हर्बल ऑयल्स होते हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं. हर्ब हश के नाम से आप वेबसाइट पर भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, दैट्स अ वेरी गुड. एंड हर्बल ऑयल्स जो होते हैं वो आपके बालों को स्ट्रेंथनिंग दे रहे होते हैं, और ऑयलिंग करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हर चीज़ के लिए जो है वो मतलब आप बॉडी में भी आप खाना पीना कर रहे होते हो, तो प्रोटीन चाह रहे होते हो, कार्बोहाइड्रेट्स चाह रहे होते हो, तो बालों को भी खुराक की ज़रूरत होती है. तो ऑयलिंग करना बालों के अंदर, बालों को अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करना, तो ये सब चीज़ें जो है ना बालों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंस रख रही होती हैं. हमारे साथ एक बहुत माहिर डॉक्टर मौजूद हैं जो हमें बता रही हैं कि बालों की सेहत के लिए कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो लेना ज़रूरी हैं, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे अवॉइड करना जो है वो भी ज़रूरी है. जी डॉक्टर साहबा, हम बात कर रहे थे कि स्ट्रिक्ट डाइटिंग के ऊपर भी बात कर रही थी कि बहुत सारी खवातीन या लड़कियां ऐसी हैं जो अपने फिटनेस के लिए डाइटिंग कर रही होती हैं, बट डाइटिंग करने की वजह से जो है वो उनको और सारे मसाइल का सामना करना पड़ा होता है. उसमें से सबसे बड़ा जो एक प्रॉब्लम है वो हेयर फॉलिंग है, प्रोटीन्स नहीं मिल रहे बालों को. तो डॉक्टर साहबा, अगर ऐसी खवातीन के लिए क्या मशवरा देना चाहेंगी, क्योंकि वेट भी तो बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है ना, तो फिर क्या करना? आप अपनी डाइट में प्रोटीन के पोर्शंस यूज करें ना, ये नहीं कि एक टाइम पे आप बिल्कुल ही सारा कर लें. पोर्शन में डाइट करें, चिकन लें, चिकन के फिले ले सकती हैं आप, इस तरह नट्स ले सकती हैं आप, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकती हैं, सैलड्स ले सकती हैं. तो स्ट्रिक्ट डाइटिंग का मैं बिल्कुल हरगिज ये मतलब नहीं कहूंगी कि आप खाना पीना सब कुछ छोड़ दें. ठीक है, मतलब स्ट्रिक्ट डाइटिंग में खाना पीना छोड़ दें, आप प्रोटीन्स का जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल करते रहें, और साथ साथ में जो है वो पानी का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, पानी का, वाटर का इस्तेमाल, वाटर इंटेक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. डॉक्टर साहब, अगर जो लोग पानी नहीं पीते उनके बालों की सेहत कैसी रहती है? नहीं, पानी तो बिल्कुल बेसिक हमारी है नीड, जिससे हमारी स्किन भी हाइड्रेट रहती है, बालों के लिए भी जरूरी है. 97-98% जो हमारे बाल बने होते हैं वो प्रोटीन के, रेस्ट हमारे बाल में पानी और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके ओके, सही. तो हाइड्रेशन बालों के लिए बहुत ज़्यादा. अच्छा, जिन लोगों के बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं तो उनके लिए क्या बालों के प्रोसीजर्स होना जरूरी है? बिल्कुल. देखें, पहले तो हम इसकी कॉज पर आएंगे कि बाल ड्राई होते क्यों हैं. एक तो हमारी
एक्सटर्नल जो हैं कॉजेज हैं जिसमें ब्लो ड्राई ज्यादा करना, हीट ज्यादा देना बालों को, ठीक है, केमिकल ज्यादा यूज करना, ये तो आ गई आपकी एक्सटर्नल। इंटरनल में की तरफ हम जाएंगे तो हार्मोनल डिसबैलेंस और हार्मोन डिसबैलेंस में हमारा हाइपोपैराथायरायडिज्म में बाल ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इनकी जो ट्रीटमेंट है इसमें होम रेमेडीज भी हैं और आप आउट पेशेंट भी जाके करवा सकते हैं। होम रेमेडी में मैं ये सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने खुद के अपने जैसे ये टोटके कहते हैं आजमाए हुए हैं, तो उसमें आप जो होगी हनी प्लस उसमें कोई भी आप क्रीम ले लें, मिक्स करके हनी एंड क्रीम को मिक्स करके बालों को टिप से लेकर रूट तक करें, 30 मिनट्स तक रहने दें, फिर वॉश कर लें। इसके अलावा डीप मॉइस्चराइज करना है बालों को। उसका तरीका ये होता है कि आप वार्म कोई भी कोकोनट ऑयल ले लें, एलमंड तो नहीं, ऑलिव ऑयल ले लें, उसको बालों पे लगा के हॉट टॉवल से रैप कर दें, वो भी 30 मिनट्स तक रहने दें। उससे आपके बाल काफी अच्छे मॉइस्चराइज हो जाएंगे। और डेली मॉइस्चराइजर करेंगी, कंडीशनिंग आपको सिर्फ टिप्स से लेकर करनी है, समझे, 3 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम या 2 इंचेस अवे फ्रॉम द रूट से आपको करनी है। क्यों नहीं करनी होती है डॉक्टर साहब? क्योंकि ये हमारे जो हेयर हैं उसको हमें कोट करना होता है ना, रूट्स को नहीं कोट करना। ये जो कंडीशनिंग का काम ये होता है कि ये हमारे बालों को कोट कर देती है, मॉइस्चराइज कर देती है। तो अच्छा, डेली का आपको मॉइस्चराइज नहीं, डेली मैं रिकमेंड नहीं करूंगी, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक शैम्पू। अच्छा, ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, ओके। और जो मास्क होते हैं हेयर मास्क, बिल्कुल, वो भी ट्वाइस, कितने बार यूज करने? ट्वाइस या थ्राइस, ट्वाइस। इसके अलावा हम जो अपने आउट पेशेंट में करते हैं उसमें लो लेजर लाइट से बालों को प्रोटीन करते हैं। इसके अलावा जो आजकल सबसे जदीद और लेटेस्ट टेक्निक है वो है पीआरपी स्टैंड्स फॉर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। इसमें हम अपनी बॉडी से ही ऑलमोस्ट 10 cc ब्लड इंजेक्ट करते हैं। हमें खुदा ताला ने हमारे ब्लड में कुछ ऐसे ग्रोथ फैक्टर हैं जो हमारे स्किन और स्कैल्प के बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व करते हैं। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में हम इस तरह करते हैं कि 10 cc ब्लड अपनी बॉडी से ही लेते हैं, उसमें जो प्लेटलेट रिच जो है ग्रोथ फैक्टर वाला पार्ट है वो एक खास मशीन से सेंट्रीफ्यूज करके उसको अलग करके वही वाला हम लोग जो सीरम होता है बालों में इंजेक्ट करते हैं। ओके, तो ये कितने सिटिंग में होता है डॉक्टर साहब? देखें, कुछ पेशेंट्स को तो 2-3 सिटिंग्स में फर्क पड़ जाता है, 2-3 सिटिंग्स में फर्क पड़ जाता है। कुछ पेशेंट्स को 6-7 सिटिंग्स में भी लग जाती हैं करने में। तो इसमें जो हमारी बालों की जो अमूमन ग्रोथ होती है 1 सेंटीमीटर होती है पर मंथ, लेकिन पीआरपी से बेनिफिट होता है कि इसमें बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, थिकनेस अच्छी होती है, डेंसिटी अच्छी होती है, सही है। तो वही बालों की क्राउनिंग ग्लोरी वापस आ जाती है। ओके ओके, इसकी वजह से जो है वो बालों में जो है वो जो पुराना आपका टेक्सचर होता है बालों का वो दोबारा से आना शुरू हो जाता है। साहब, अब मैं आपसे पूछ रही थी कि शैम्पू जो है वो कितनी बार यूज करना चाहिए और किस तरह के हर्ब्स शैम्पू यूज करने चाहिए या नहीं? बिल्कुल, हर्बल शैम्पू यूज करने चाहिए। हर्बल माइल्ड से शैम्पू की तरफ आप जाए ट्वाइस और थ्राइस ऑफ एक, जिस तरह ये हर्बल शैम्पू है इसमें देखें क्या मिलेंगी, आमला, रीठा और ये सारे, ये तो बालों के लिए अच्छे होते हैं, कोई इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं मिला हुआ, तो आप हर्बल शैम्पू भी यूज करते लेकिन डेली शैम्पू ना करें। अच्छा, डेली शैम्पू से बाल ड्राई हो जाते हैं। ओके, या दैट्स इशू कि आप डेली अगर यूज करेंगे तो वो बाल ड्राई हो जाएंगे। पर डॉक्टर साहब, कुछ शैम्पू ऐसे होते हैं जिसमें इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे होते हैं कि वो बालों को ड्राई कर रहे होते हैं, मतलब अगर वो 1 से 2 वीक भी यूज करा फिर भी बाल ड्राई हो रहे होते हैं। देखिए, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मतलब उसमें ज्यादा मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं। मैं आपको फिर यही कहूंगी कि आप बिल्कुल माइल्ड शैम्पू की तरफ जाएं, हर्बल शैम्पू की तरफ जाएं, आप इतने ज्यादा मेडिकेटेड शैम्पू की तरफ नहीं जाएं। वो तो डेफिनेटली आपके जितने ज्यादा केमिकल्स होंगे वो आपके बाल ड्राई करेंगे। दैट्स अ इशू के आपको जितना ज्यादा आप केमिकल्स की तरफ जाएंगे तो उतना ही ड्राइनेस हो रही होगी। और कोशिश करें कि लाइक 2 या 3 बार शैम्पू। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर साहब, आप अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, कॉस्मेटोलॉजिस्ट, डिफरेंट तरह के फेशियल्स भी कर रही हैं, डिफरेंट तरह के, मैं स्किन से रिलेटेड भी थोड़ी बात करूंगी आज का टॉपिक, जैसे कि हमारा हेयर्स है, पर फिर भी आपकी मौजूदगी का क्यों ना हम फायदा उठाएं। तो मुझे जरा बताइएगा कि स्किन के लिए जो हाइड्रा फेशियल्स होते हैं या फिर जो स्किन टाइटनिंग होता है, पोर्स जो ओपन पोर्स होते हैं उसके लिए
कौन कौन से प्रोसीजर्स करवाने चाहिए और किस किस एज में होने चाहिए? बिकॉज बहुत सारी बच्चियां ऐसी होती हैं, बस छोटी उम्र में ही बहुत सारी चीजें करवा लेती हैं, तो फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है. अच्छा, टॉप ऑफ द लिस्ट तो मैं सजेस्ट करूंगी PRP. ये एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि हम अपनी बॉडी का ही ब्लड इंजेक्ट करके वही स्प्रिंकल कर देते हैं, आइदर फेस पे कर दें. इट इज बेस्ट फॉर ग्लोइंग स्किन, एक्नी स्कार्स, ठीक है, और रिंकल्स के लिए इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं. और फिर मैं कहूंगी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और तो चीजों के चलें कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. और 3 से 4 दिन बाद आपकी स्किन ग्लो होना शुरू हो जाती है, ठीक है. सेकेंडली, हाइड्रा फेशियल इज ऑल्सो गुड, बजाय इसके कि हम यहाँ पार्लर में यहाँ वहां जाके कराते हैं, ये अच्छा एक स्टरलाइज तरीके से फेशियल हो जाता है. इसके अलावा माइक्रोडर्मब्रेजन में जो हमारी सुपरफिशियल लेयर है स्किन की, एपिडर्म, वो शेडो जाती है, उसके बाद न्यू स्किन आना शुरू हो जाती है, ठीक है. तो वो जो न्यू बेबी स्किन हमारी आती है. इसके अलावा मैं केमिकल पील्स को सजेस्ट करूंगी, ग्लाइकोलिक एसिड पील. ये सारे जो प्रोसीजर हैं स्किन की फ्रेशनेस के लिए हैं. इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग फॉर द एक्नी स्कार्स, ये भी बहुत अच्छा प्रोसीजर है. ये 4 से 5 ऐसे प्रोसीजर हैं जिनमें आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है. आप आए महीने में एक दफा करा ले, जैसे हम रूटीन अपनी स्किन की केयर करते हैं हर महीने एक दफा, जैसे पार्लर चले गए, तो क्यों ना हम इन सेफ प्रोसीजर्स की तरफ जाएं. दैट्स गुड, कितना अच्छा आइडिया दिया है आपने. मतलब पॉकेट पैसे बचाने वाला भी दिया है ना आपने आइडिया, कि अगर आप पार्लर जा रहे हैं और कोई फायदा ही नहीं होता पैसे तो वहां पर भी देने, पैसे तो यहाँ पर भी देने से बेहतर ये नहीं है कि हम कोई अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट, क्योंकि वहां हमें पता नहीं होता कि कौन सी क्रीम्स यूज हो रही हैं, क्या ये लोग हमारे फेस पे, और सबसे बड़ी बात तो स्टरलाइज चीजें. तो सर में बहुत सारे पार्लर्स अच्छे भी होते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को हम क्रिटिक नहीं कर सकते, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर आपकी स्किन पर इश्यूज हैं, लाइक कि आपकी स्किन पर पिगमेंटेशन है, स्किन पर जो है स्कार्स हैं, दाने वाने हैं, इस तरह की चीजें हैं जो मतलब पार्लर जाने से वो इरिटेट हो जाएंगी या फिर और मजीद खराब हो जाएगी, इसके से बेटर है कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कंसल्ट करें. डॉक्टर साहब, प्रोडक्ट स्किन के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी लोग बहुत बेहतियाती कर रहे होते हैं, कि देखा कोई महंगी प्रोडक्ट है यार बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो इसका मतलब अच्छी होगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आंखें बंद करके जो आजकल ऑनलाइन हर चीज मिल रही है, ये क्रीम है, ये क्रीम है, आंखें बंद करके नहीं लेनी चाहिए. मेडिकेटेड क्रीम्स के जाहिर सी बात है, जब वो मेडिकेटेड होंगी तो उनके अपने फायदे हो गए. बाकी ये जो बाहर की क्रीम्स लेकर लगाना, उनमें स्टेरॉइड शामिल होता है, तो ये स्किन के लिए बेनिफिशियल नहीं है. अच्छा, मतलब वो स्किन के लिए नहीं होती बेनिफिशियल. और स्किन वाइटनिंग के लिए तो और भी प्रॉब्लम होती है कि उसके अंदर पता नहीं क्या क्या ऐसी चीजें, क्या मरकरी, स्टेरॉइड्स, और वो फिर. अच्छा, हमारी स्किन से भी तो हमारी जो है वो अब्सॉर्प्शन हो रही होती है ना मेडिसिन की, बहुत सारी आप क्वांटिटी में आपने फेस पे लगा लिया, तो ऑब्वियसली मतलब वो अपने ब्लड में भी तो एब्जॉर्ब हो ही रहा है ना. ब्लड में स्किन बस स्किन को एब्जॉर्ब होंगी ना, स्किन में, ब्लड में तो मैं नहीं कहूंगी कि अपनी पूरी बॉडी ब्लड में नहीं. डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स होते हैं जिसका मल्टी मतलब मल्टी ईयर से या बहुत अरसे से आप यूज कर रहे हो और आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लगा रहे हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता तो आपकी मतलब एब्जॉर्प्शन तो हो ही रही है ना, माइनर अमाउंट में. क्रीम का जो क्रीम होती है हमारी डे नाइट क्रीम, उनका जो पर्पज होता है मॉइस्चराइज रखना, ठीक है. स्किन की बेस्ट आप रूटीन में केयर ये कर सकते हैं कि स्किन को डे नाइट एक अच्छी सी क्रीम आप ले लें, मॉइस्चराइज रखें डे नाइट, अच्छा सा सनब्लॉक ले लें और एक कोई अच्छा सा सीरम ले लें, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, आपकी स्किन अच्छी रहेगी, फ्रेश हेल्दी रहेगी. ये दो तरह, और रात को क्लिंजिंग करके सोएं, प्रॉपर क्लिंजिंग करके एक कोई अच्छा सा सीरम लगा कर, उससे आपकी स्किन फ्रेश रहेगी. ओके ओके, सही सही, यानी कि इस तरीके से आप अपनी स्किन का भी ख्याल रख सकते हैं. अच्छा, मतलब बहुत सारी मिस भी हैं डॉक्टर साहब, बहुत सारी बातें भी ऐसी हैं जो लोग बहुत ज्यादा मार्केट में सर्कुलेट कर रहे होते हैं कि जैसे हाइड्रा फेशियल करवाने से जो है ना वो एजिंग ज्यादा हो जाती, जल्दी हो जाती है क्योंकि, या फिर बार बार प्रोसीजर्स करवाने से स्किन जो है वो झुरियां जल्दी पड़ जाती हैं, तो ये जरा मिस को क्लियर करें ना. लोग तो मतलब हर अच्छी चीज को भी नेगेटिवली लोगों को बोलते हैं, फिर वो लोग बेचारे डर जाते हैं कि शुड वी डू इट. देखिए, हाइड्रा फेशियल इज डीप क्लिंजिंग,
डीप क्लींस मतलब जो आपकी स्किन में डर्ट है वो उसको निकाल बाहर करता है, तो इसमें तो कोई नहीं है ना कि इससे झुर्रियां पड़ जाएंगी या एजिंग प्रोसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ये तो आपकी स्किन को क्लींस करता है। ठीक है, मतलब नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन करता है, तो उसमें झुर्रियां और बुढ़ापे का क्या ताल्लुक? अच्छा, पीआरपी से रिलेटेड ये होता है कि एक्नी जिन लोगों को हो उनको पीआरपी नहीं करवानी चाहिए। वंस आपकी एक्नी थोड़ी सबसाइड हो जाए उसके बाद जो हमारे एक्नी के स्कार होते हैं, इट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एक्नी स्कार्स। एक्नी स्कार जी, नॉट एक्नी, अगर एक्टिव एक्नी पे आपने कर दिया तो बढ़ जाएगा। एक्टिव एक्नी पर हम करते भी नहीं है। अच्छा, एक्टिव एक्नी पर जो है वो करते हैं, उसकी तो अलग से मेडिसिन होती है कि हम पहले पेशेंट्स को मेडिसिन पे रखते हैं, 1 से 2 महीने तक मेडिसिन पे रख के जब एक्नी उनकी थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाती है फिर हम पीआरपी की तरफ जाते हैं। अच्छा, जब एक्नी आपकी सबसाइड हो गई, थोड़ा ठीक हो गई, स्किन आपकी दिखने के काबिल हो गई अब थोड़ी थोड़ी, तो स्कार्स को खत्म करने के लिए एक्नी में तो हम कोई भी प्रोसीजर नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, ना ही हम उसमें डर्माब्रेजन कर सकते हैं, ना ही हाइड्रा फेशियल, एक्नी में तो हम कुछ भी नहीं करते। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइएगा कि जो पीआरपी होती है उसमें कितनी सिटिंग्स में आपके स्कार्स खत्म हो जाते हैं? देखिए, डिपेंड अपॉन द स्कार के कितना है, अगर तो स्कार बिल्कुल ही फ्रेश स्कार्स हैं, 1 से 2 महीने हो गए, तो 3 सिटिंग्स में आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है। ओह दैट्स ग्रेट मिरेकल। अच्छा, इसके लिए लोग बड़ा परेशान होते हैं स्कार्स के लिए, स्कार्स जो ऐसी चीजें हैं कि लाइक आपकी पर्सनैलिटी को भी शेड ऑफ कर रही होती है, बहुत सारी लड़कियां इसकी वजह से ना कॉन्फिडेंस लॉस कर रही होती हैं, तो पीआरपी में अपने प्रोग्राम के तवज्जो से बताना चाहूंगी सबको कि जिन लोगों को फेस पे स्कारिंग बहुत ज्यादा है, लाइक दाने खत्म हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट भी करवा लिया, ऐसी मेडिसिन भी ले ली कि जब उनके एक्नी सबसाइड हो गए बट उनके मुंह पे अभी भी दाग धब्बे हैं जो बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज्यादा उनकी पर्सनैलिटी को शेड ऑफ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है जो डॉक्टर तानिया ने बताया दैट्स पीआरपी। आप लोग पीआरपी जब करवाएंगे तो पीआरपी से आपकी स्किन स्कारिंग जो है वो कम हो जाती है और मींस ना होने के बराबर हो जाते हैं, बिल्कुल स्किन टोन जो है पहले वाला हो जाता है, बेबी स्किन हो जाती है, और साथ साथ में आपके हेयर ग्रोथ के लिए भी आप पीआरपी करवा सकते हैं क्योंकि जब आपके बाल बहुत ज्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं और आपकी ऑब्वियसली बात है स्काल्प की भी हेल्थ स्किन होती है, तो वो स्किन भी जब डैमेज हो रही होती है तो ही बाल गिर रहा होता है। पीआरपी में ऐसे ग्रोथ फैक्टर होते हैं जो हमारी बालों की प्रोटीन को एनहेंस करता है, रूट्स को मजबूत करता है यानी जड़ों को मजबूत करता है, तो ओवरऑल बालों का टेक्सचर, डेंसिटी, थिकनेस सब इम्प्रूव होती है और मॉइस्चराइज होते हैं बाल, शाइनिंग आती है। जबरदस्त, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखें एक पैकेज में मिल रहा है तानिया शेख जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। डॉक्टर साहब, आपसे मिलने के लिए साउथ सिटी आना पड़ेगा। जी ठीक है सर, मैं मंडे ट्यूजडे एंड थर्सडे को होती हूँ, 6 to 9। 6 to 9 तो मतलब के आपसे जो है वो अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा ना। आपके फोन नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, डॉक्टर साहब के फोन नंबर, आप इनको डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और अगर आप कोई मशवरा लेना चाहते हैं तो मशवरे के लिए भी कोई फीस होती है डॉक्टर साहब? कंसल्टेशन की होती है ऑब्वियसली बात नहीं, पर आप हमारे प्रोग्राम से के तवज्जो से हमारे व्यूअर्स को जो है ना फ्री कंसल्टेशन दीजिएगा। तो जो भी मशवरा लेना हो, कोई भी आपको पूछना हो कि आप कौन सा ऑयल यूज करें, अच्छा वो फिर बार बार रिंग मत करिएगा, कॉल मत करिएगा क्योंकि फिर आपसे तंग हो जाएंगे, बेजार हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमने इतनी सारी बातें तो कर ली हैं, लोगों को बता भी दिया है पीआरपी, और ये क्या कॉस्टली होता है प्रोसीजर या फिर मतलब ऐसा है कि पॉकेट फ्रेंडली है? इसमें देखिए पूरा एक पैकेज होता है, पीआरपी प्लस हम लोग माइक्रो नीडलिंग करते हैं, इकोनॉमिकली होता है, बाहर भी तो पार्लर में भी तो आप लोग जाके ऑब्वियसली बात है, अगर आप जहां पर एक ही शैम्पू कोई इतना एक्सपेंसिव ले रहे हो और इतना कोई एक्सपेंसिव आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उसकी भी गारंटी भी नहीं है आपके पास, आपको पता भी नहीं है कि वो चीज आपको इतना यूजफुल रहेगी। व्हाई डोंट यू गो फॉर सेफ प्रोसीजर? या That's the like you know के simple answer is that के आप सेफ प्रोसीजर की तरफ क्यों ना जाएं। और दूसरी बात यही मैंने आपको अपने प्रोग्राम की शुरुआत में बताया था कि ये इस तरह के जो ऑयल्स वगैरह होते हैं या फिर जो हर्बल प्रोडक्ट होते हैं और हर्बल आपकी होती हैं चीज़ें जो घर में घरेलू टोटके हो गए या फिर अच्छी डाइट हो गई, तो ये भी आपको बहुत सारी चीज़ों से जो है वो बचा रहा होता है। तो साहिबा बिल्कुल सही कह रही हैं ना। अच्छा ये बताइएगा कि अंडा जो है, अंडा और मछली, इसके लिए लोग बहुत कहते हैं कि इसको खाने से आपके बाल बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी बात है ये, बिल्कुल, क्योंकि एग में प्रोटीन होता है, अल्ब्यूमिन, यस प्रोटीन,
टाइप, ठीक है। एग में प्रोटीन रिच है, प्रोटीन रिच है, और फिश में हम कहते हैं कि फिश जो कोड ऑयल होता है, द बेस्ट फॉर हेयर। ओके, अमाइनो एसिड्स एंड देन एल्ब्यूमिन लेवल्स। अच्छा, जो एग जो होता है ना, यहाँ पर एक सवाल करूंगी डॉक्टर साहब, थोड़ा से हटकर है, बट ये एग में जो योक होता है उसको भी खाना चाहिए? हाँ, खाना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं खाना चाहिए, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो हाई हो। चले डॉक्टर साहब, आपसे तो मैंने पूरी बातें पूछ ली है, डाइट का भी पूछ लिया, आपसे बालों का भी पूछ लिया, स्किन का भी पूछ लिया। सो एक ब्रेक की जाने चलते, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आज बालों की सेहत से रिलेटेड बात कर रहे थे, जो आप सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और सारे लोगों को जो है वो अपने बालों की बड़ी फिक्र होती है। बाल जो है वो आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा होते हैं, जब कभी बाल डैमेज हो रहे होते हैं कि बड़ा डिप्रेशन हो रहा होता है। लड़कियों को तो बहुत ज्यादा, जब बाल आप कॉम कर रहे होते हैं और बालों के गुच्छे एकदम से बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, तो आप बड़ा डिप्रेस से हो जाते हो। एंड ऑब्वियसली बात है कि पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है बाल। अगर आपके बाल खूबसूरत, चमकदार और शाइनी होते हैं तो चार चांद लग जाते हैं। सो डॉक्टर तानिया हमारे साथ मौजूद हैं और वो हमें बता रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी दे रही हैं कि बालों की हेल्थ के लिए, स्किन की हेल्थ के लिए, और साथ साथ में जो है वो आपकी अपनी सेहत के लिए क्या क्या करना चाहिए। जी डॉक्टर साहबा, ब्रेक पे जाने से पहले हम यही अंडा, जर्दी और मछली की बात कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें डाइट का ही हिस्सा हैं, और जैसे आपकी ज़िंदगी के लिए भी बड़ा अहमियत रख रही होती हैं, आपके वैसे भी इंटरनली आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको ये कॉप अप कर रहा होता है सेहत के हवाले से। तो डॉक्टर साहबा, मुझे एक और सवाल आपसे पूछना है ऑयलिंग के हवाले से, कि ऑयलिंग जो है वो आजकल के ज़माने में ट्रेंड ख़त्म होता जा रहा है, लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारी लड़कियां कैरेटिन करवा लेती हैं तो उनको पॉलर से ही मना कर दिया जाता है कि आपने ना बालों को छेड़ना नहीं है, बाल बल्ले तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, बालों को छेड़ना नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ऑयलिंग का जो पर्पज होता है वो बालों को मॉइस्चराइज रखना है, ठीक है। वो आइदर आप ऑयल से करें, कंडीशनर यूज करें, ठीक है। अगर तो आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई हैं तो आप शावर लेने से आधा घंटा पहले कोई भी ऑयल लगा लें, उसके बाद आप अपने हेयर वॉश कर लें, ठीक है। अगर तो आपके बाल एक्स्ट्रा ड्राई हैं तो आप रात को ऑयलिंग करें, सुबह उठ के नहा लें, ठीक है। अच्छा, ये अमल आप हफ्ते में 2 या 3 दफा करें, इससे ज्यादा नहीं। जो पुराने जमाने में होता था कि सारा दिन तेल कर लगा कर चुटिया बना के रखो, तो ये एक मिथ है कि इससे बाल लंबे होते हैं। इससे बल्कि बाल लंबे तो नहीं होते, आपके पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं। अच्छा, ब्लॉक हो जाते हैं। आपको सिर्फ 2 घंटे के लिए लगा, 2 घंटे के लिए लगा लें, दैट्स इनफ, ठीक है। और प्रॉपर कंडीशनिंग करें, बालों को मॉइस्चराइज करें, तो ये बालों के लिए बहुत बेनिफिट है। सही है, बिल्कुल। ये जरूरी नहीं है कि आप बाहर से जाके महंगा सा कंडीशनर ले आए, आप घर में भी कर सकते हैं, योगर्ट हनी मिक्स करके कर सकते हैं, कोई भी फ्रेश क्रीम ले लें उसको हनी में मिक्स करके कर सकते हैं, ये घर में तो चीजें अवेलेबल होती हैं ऑल द टाइम। ओके ओके, सही है। इस तरीके से जो है आप बालों की सेहत का ख्याल रख सकते हैं, और ऑयलिंग जो है वही दूसरी बात यह है कि ऑयलिंग जो है सिर्फ और सिर्फ आपको 1 घंटे के लिए करनी है, और जो है ना ज्यादा देर तक जो है ऑयल लगा के नहीं छोड़ना है, इससे बाल जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं। सही। तो डॉक्टर साहबा, बिल्कुल एंड है हमारे प्रोग्राम का, लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगी बालों की सेहत के हवाले से, और साथ साथ में जो है स्किन की सेहत के हवाले से भी? लास्ट में मैं बस ये मैसेज दूंगी कि अगर तो आपको कोई स्किन का इशू है या बालों का कोई इशू है, तो मेहरबानी करके आप अपनी या दोस्तों ने, किसी दोस्त ने बताई तुम ये चीज यूज कर लो, तुम बालों के लिए यूज करो, फेस पे ये क्रीम लगा लो, तुम्हारी एक्नी चली जाएंगी, क्योंकि बहुत से ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो मेरी बहन ने कहा ये क्रीम लगा लो तो मैंने अप्लाई कर ली। हर किसी की स्किन टाइप फर्क होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल टू ऑयली इस तरह होती है, तो आप सबसे पहले अपने स्किन स्पेशलिस्ट, जिस पर आप ज्यादा कॉन्फिडेंस है आपको, उनको जाके पहले चेकअप कराएं, अच्छी तरीके से मुआयना कराएं, उसके बाद फर्दर आप अपनी स्किन और बालों के मुताबिक चीजें करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं डॉक्टर साहिबा, कि अपनी सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आपको और नहीं डैमेज करे होते हैं, और दूसरी बात ये होती है स्किन मेडिकेशंस और जो बालों के गिरने की मेडिकेशंस होती हैं उनको भी बड़ा ध्यान से इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि इनके बड़े केमिकल्स साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। डॉक्टर साहिबा, प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें की। अच्छा, अपनी मेजबान फलाह कादरी को इजाजत का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।